कश्मीर की धारा 370 और 35A को जितना बड़ा बताकर पूरे भारत को डराया जा रहा था, आज मौजूदा सरकार ने उसको खत्म करके बता दिया है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती अगर नियत काम करने की हो तो। इस पर अपना रुख साफ करते हुए मौजूदा सरकार ने यहाँ पर इसको हटाया ही नहीं, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया और इन दोनों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, अलग यूनियन टेरिटरी बनाते हुए कभी तक के लिए, भविष्य तक के लिए इनको दिल्ली से भी जोड़ दिया, भारत से भी जोड़ दिया। 5 अगस्त को राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें 1954 के नियम को खत्म कर दिया गया और 6 अगस्त को सदनों में इनको पास करके धारा 370 को हटा दिया गया। एक ऐतिहासिक कदम था, एक ऐतिहासिक निर्णय था सरकार का, इसके लिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि मामला अति संवेदनशील था और इस हटने के बाद जिस तरीके से सरकार उससे निपट रही है, कोई भी कैजुअल्टीज आज कश्मीर में नहीं हुई है, हालात लगभग सामान्य है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लद्दाख में जहां विधानसभा नहीं होगी वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और इसके बाद एक और निर्णय लिया गया है कि 114 सीटें जो है कर दी गई हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में क्या था कि कश्मीर में 46 एमएलए की सीट थी, जम्मू में 37 एमएलए की सीट थी और लद्दाख में 4 सीटें थी, कुल मिलाकर 87 होती है 87। और इसमें देखने की बात यह है कि जो भी व्यक्ति कश्मीर पर होल्ड रखता था, अपना वर्चस्व रखता था, वो पूरे राज्य में सरकार बनाता था। मतलब जम्मू और लद्दाख की इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी जब तक ये धारा 370 थी और इन सीटों का बंटवारा इस तरीके से किया गया था। अब जहां धारा 370 और 35 से हट गई हैं तो जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू होगा, वहां पर भी डेमोक्रेसी अब होगी, परिवारवाद खत्म होगा और इसी के साथ इन सीटों की दोबारा से डिलिमिटेशन होगी। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को एक मीटिंग करते हुए ये डिस्कस किया कि अब जब जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान लागू होगा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं तो यहाँ पर डिलिमिटेशन का प्रोसेस हो सकता है वो शुरू करें। और अपनी मीटिंग में इन्होंने ये भी देखा कि वो किस तरीके से इस कार्य को पूरा करेंगे जो काफी समय से लंबित पड़ा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने 2026 तक डिलिमिटेशन प्रोसेस को जो है पेंडिंग कर दिया था, उसको बैन कर दिया था। अब जब विधानसभा ही नहीं रही तो वो जो है नियम भी टूट चुका है। भारत का संविधान लागू होगा, डिलिमिटेशन प्रोसेस ऑफिशियली गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री से अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि अगर ऐसी नोटिफिकेशन आती है तो उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना है और काम करना है। इस पर एक अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि डिलिमिटेशन की नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से जो है चुनाव आयोग एक्सपेक्ट कर रहा है। डिलिमिटेशन का असर क्या होगा, थोड़ा सा उस पर विचार कर लेते हैं। जो सीटें और जो निर्णय चुनाव के रिजल्ट का सिर्फ कश्मीर तय करता था वो डिलिमिटेशन प्रोसेस अब पूरा होगा। जनसंख्या के आधार पर पूरे जम्मू कश्मीर में सीटों का बंटवारा होगा और इसका डायरेक्ट और सीधा सीधा असर मैं कहूंगा पॉजिटिव इफेक्ट बीजेपी को मिलेगा। कश्मीर से हो सकता है कुछ सीटें कम हो और जम्मू में कुछ सीटें बढ़ी। बीजेपी जो है अपना वर्चस्व जम्मू में स्थापित कर चुकी है, कश्मीर में थोड़ा बहुत अभी वो कम उनका असर है, तो हो सकता है डिलिमिटेशन के बाद वो जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना ले। अगर ये होता है तो मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाना तय हो जाएगा और 70 साल से पिछड़ चुके हमारे जम्मू कश्मीर को भी विकास की राह पर जो है चलने का मौका मिलेगा। वहां पर डेवलपमेंट होगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, विकास आएगा और कहीं ना कहीं आतंकवाद पीछे छूट जाएगा, क्योंकि केंद्र में जो सरकार होती है अगर स्टेट में भी वही हो तो विकास का रास्ता जल्दी तय हो जाता है और ज्यादा जो है मौका मिल जाता है राज्य को केंद्र के साथ काम करने का। खैर अच्छी बात है, धारा 370 और 35 से हटी है, इसके बाद अगर डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो लगभग बीजेपी की सरकार बनना जम्मू कश्मीर में तय है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना।
मॉडर्न इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।